सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। जी सबसे पहले तो मेरे प्यारे टोंक वासियों को सबको सलाम और आदाब नमस्ते। उम्मीद करता हूं आप सब लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और जो सरकार के गाइडलाइन है हमें डिस्टेंस बनाए रखना है उस सबको फॉलो कर रहे होंगे, मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ। अब देखिए जो कुछ, और मुझे ये भी पता है हर वार्ड में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी चल रही है, तो मेरे भी कुछ पार्षद सब लोग परेशान थे, उन्होंने हम लोगों तक ये बात पहुँचाई और पहुँचाने के बाद हम लोग कुछ मिले इस चीज़ को, हमारे नगर परिषद में हमने बैठ के मसले को हल किया और फिर हमने अभी कलेक्टर साहब को, हम कुछ पार्षद क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है पूरी भीड़ को नहीं लेके आ सकते, तो हमने उसको फॉलो करते हुए कुछ लोगों के साथ में पायलट साहब को हर प्रॉब्लम से टोंक के हर एक वार्ड में पानी, खाने की प्रॉब्लम, दवाओं की, राशन की, ठेले चलें, ये सब चीज़ों से हमने अवगत कराया है कलेक्टर साहब को और उन्होंने भी हमें ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो भी उसी के अनुसार इस चीज़ को जो खादा अधिकारियों की जो नाराज़गी थी उसको किस तरह से। अब ठीक है, देखिए ये बहुत तकलीफ़ वाला वक्त चल रहा है पूरी दुनिया में, नाराज़गियाँ हो जाती हैं और फिर इंसान ही है, सब लोग बैठ के वो मसले हल भी हो जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नाराज़गियाँ होती हैं हर घर में, कुछ ना कुछ मसले होते हैं, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो जाते हैं, तो हम लोगों ने अभी ये कहा जो नाराज़गियाँ उनको हमने अपने पास रखा है, जब इस आपदा से हम सब लोग बाहर आ जाएंगे उसके बाद हम वो अपनी शिकायत भी दर्ज करेंगे और उस पर भी कुछ ना कुछ मसले पे। प्लीज़ सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स।